वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीमी शुमाना के और एक ब्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग मेरे सभी दोस्तों को और एक बार मेरे चैनल पे। और आप लोग कैसे हैं सभी? मैं बहुत अच्छी हूँ। और आपके कमेंट्स पढ़ के, आप सबके कमेंट्स पढ़ के अच्छा रहना तो बनता है, तो मेरा तो बहुत अच्छे से दिन शुरू होता है। आप सभी का इतना प्यारा प्यारा कमेंट्स, इतना सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को सबको मेरे दिल से थैंक यू सो मच। तो सुबह सुबह सारा काम तो हो चुका है, बस पूजा बाकी है वो करके उसके बाद बेटी भी नहा के आ जाएगी, फिर दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करके फिर जाएंगे ब्यूटी के घर। तो वहाँ पर आज एक्चुअली है संडे और डेट है 7 जून, और मैं ऐसे भूल जाती हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सभी को बता दूँ मैं, और मुझे भी थोड़ा सा याद हो जाए। वैसे तो ब्यूटी के घर आज ओकेशनली कुछ नहीं है, बट अभी मैं चली जा रही हूँ ना, तो पापिया भी अकेली हो जाएगी, ब्यूटी भी अकेली हो जाएगी। हम बहुत दिनों से प्लान तो कर रहे थे लेकिन इसी लॉकडाउन की वजह से सक्सेस नहीं हो रहा था। तो आज थोड़ा सा हिम्मत बना के मैंने सोचा कि चलो सभी चलते हैं और बच्चे भी थोड़ा सा आपस में खेल लेंगे ना, बहुत दिन हो गया घर में बंद पड़े हुए, तो इसलिए। और मैंने आज मनी प्लांट को भी नहला दिया है, तो चलिए ब्रेकफास्ट कर लेते फिर चलते ब्यूटी के घर। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद मैं, पापिया, मेरी बेटी और पियो सब मिलके आ चुके हैं ब्यूटी के घर, और यहाँ पर बनेगी आज बिरयानी। तो इसके लिए बहुत सारी तैयारी तो वैसे भी ब्यूटी करके रख दी थी ऑलरेडी, तो अभी मैं थोड़ा सा ब्राउन करके प्याज को भून लूँगी, जो बेरिस्ता बोलते हैं ना उसके लिए मैं प्याज भून रही हूँ। तो चलिए यहाँ पर आज बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको बिरयानी बनाना सिखाऊँगी, तो चलिए। अरे ना भूले तो जगहटा खाली হবে না না তুমি আবার ইয়ে করবে একটু সরতে হবে দেখো তো প্লাস্টিক দিয়ে ঢেকে রেখে আরে নোংরা হয় বিষম তেল ছিটা নিও কই গেলে গো। और एक बात बतानी थी आपको, हम लोग ना अपने लैंग्वेज में बात करना शुरू कर दिए हैं ऑलरेडी, क्योंकि हम लोग जब थोड़ा बहुत कोई होता है अगर हिंदी जिनको समझ में आ रहा होगा तब हिंदी में बात करते हैं, नहीं तो हम ऐसे बंगाली में बात करना शुरू कर दिए हैं। और यहाँ पर पापिया और ब्यूटी भून रही है, मतलब मसाला पीस रही है बिरयानी की, और मेरा इधर चावल पक चुका है, तो इस चावल का जो पानी है मैं निकाल लूँगी। और चावल बहुत इसमें बिरयानी में बहुत मतलब मायने रखता है चावल, कि चावल आपको ध्यान रख के उसके सामने खड़े होने हैं, क्योंकि अगर आप इधर उधर हिले ना तो उसी में ना चावल बहुत ख़राब हो जाते हैं। और यहाँ पर आलू भी बॉयल हो चुका है और चावल भी बॉयल हो चुका है। तो अभी हम बात कर रहे थे प्यूमजीत के पापा से, मतलब पापिया के हस्बैंड से, जो वीडियो कॉल के थ्रू ही हमारे बात होती है ना, तो वो भी है नहीं, ब्यूटी के हस्बैंड भी नहीं है मेरे, तो अभी भी नहीं है। तो तीनों मिलके, तीनों ही दोस्त एक दूसरे का सहारा है, बस ऐसे ही चल रहा है। और भी है, बहुत सारे हैं, तितली की मम्मी हैं, शुभम और सलोनी की मम्मी है, सब साथ में आ जाएंगे ना, तब एक दिन ब्लॉग बनाएंगे अच्छे से। और अभी मैंने जो चावल पानी निकाल के रखा था ना, उसको फिर मैंने दो जगह पे कर लिया है। क्यों? क्योंकि ये एक जगह पे ना बहुत ज़्यादा हो रहा था चावल, तो इस पे हम नमक और घी अभी मिक्स करके रख देंगे अलग से। तो आप हमेशा याद रखिए, बिरयानी बनाने से पहले चावल जब आपका पानी झड़ जाए उसके बाद नमक और घी मिक्स करके रखेंगे, तो ये बहुत सुंदर मतलब खिला रहता है। और ये जो चावल में बहुत लोग बोलते हैं ना कि बिरयानी में नमक नहीं हुआ है, ये शिकायत भी आपको कभी भी नहीं होगी, तो ये ट्रिक हमेशा फॉलो कीजिएगा।
और मेरा डिपार्टमेंट जो है वो हो गया ख़त्म, और अभी पापिया ने संभाल लिया है चिकन का काम जो ब्यूटी ने पहले से मैरिनेट करके रखी थी। तो मैरिनेट करने के टाइम दिया था उसने अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ही दिया था, और चिकन मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक और सरसों का तेल, तो इसी दे के मैरिनेट करके रख दिया था। और अभी हम लोग थोड़ा सा प्याज भून के उसके बाद जो मैरिनेट चिकन था उसको दे दिया, और जितने भी अदरक लहसुन का पेस्ट और चाहिए उतना दे दिया। उसके बाद दे दिया है हरी मिर्च मतलब पेस्ट बना के रख देती है ब्यूटी, उसी को एक चम्मच हमने इस्तेमाल किया है। और अब हम देंगे चिकन मसाला इसके अंदर, जो एक पैकेट चिकन मसाला बिरयानी में चिकन में मैरिनेट किया था ना उसने, उसी का ही थोड़ा सा बचा हुआ है वो भी हम डाल देंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 किलो चिकन है तो एक पैकेट चिकन मसाला तो चाहिए इसके लिए। और अभी हल्का सा थोड़ा सा भुनने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। और ये जो बिरयानी का जो चिकन है ना बिल्कुल सिंपल तरीके से बनता है, बिल्कुल टफ नहीं है। मैं ऐसे नॉर्मली बनाती हूँ जैसे नॉर्मली घर में चिकन बनता है, और जैसे मैं हूँ वैसे ही सिंपल तरीके से मैं हर चीज़ बनाती हूँ और आपको वही बताती हूँ जो मैं करती हूँ। तो यहाँ पर हमने ऐड कर दिया है गर्म पानी, थोड़ा सा उबाल आने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे 2 चम्मच बिरयानी मसाला। तो ये ज़रूरी है, आप लास्ट में बिरयानी मसाला ज़रूर डालें चिकन के लास्ट में, और चिकन आप जैसे बनाते हैं घर में वैसे ही सिंपल तरीके से बनाएं। तो अभी हमने ले लिया है 1/2 कटोरी करीबन दूध, उसके अंदर डाला है केवड़ा जल 2 से 3 चम्मच आप डाल सकते हैं। उसके बाद हम डाल देंगे रोज़ वाटर, देन हम डालेंगे आतर, उसके बाद डालेंगे हम थोड़ा सा कलर, इसको मिक्स करके साइड में रख देते हैं। हम लोगों ने अभी एक कढ़ाई में बिरयानी का लेयर लगाएंगे क्योंकि बड़ा बर्तन है नहीं, और ये जो है ना थोड़ा सा थिक भी है। तो हमने पहले कढ़ाई में थोड़ा सा घी स्प्रेड कर लिया था, उसके बाद डाला है चावल, उसके बाद हमने डाला है आलू, और फिर डाला है चिकन, और चिकन डालने के बाद थोड़ा सा ग्रेवी जो है ना वो चारों तरफ से आप स्प्रेड कर दें। ज़्यादा ग्रेवी मत दीजिएगा तो बिल्कुल चिपचिपा सा हो जाएगा, तो ज़्यादा ग्रेवी नहीं चाहिए, हल्का सा ग्रेवी आप स्प्रेड कर दीजिए। उसके ऊपर से डाल दीजिए वही बेरिस्ता, उसके बाद डालिए आप बिरयानी मसाला, फिर डालिए थोड़ा सा घी, उसके ऊपर हमने डाला है थोड़ा 3-4 पत्ते पुदीने के, फिर से हमने डाल दिया है चावल। और मेरा जो प्रोसेस है मैं बोल रही हूँ मुझे अच्छी खासी नहीं आती, लेकिन मैं जो बनाती हूँ ना वो बहुत पसंद आता है सबको, और ये भी बहुत अच्छा बना है। मैं तो वॉइस बाद में दे रही हूँ लेकिन आपको दुकान फेल हो जाएगा अगर आप पहली बार ट्राई कर कीजिए तो ये वाला प्रोसेस ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ईजी है। आप समझ गए होंगे कितना ईजी है, और बिरयानी बनाना इतना टफ जॉब है ही नहीं। तो फिर से हमने डाल दिया है आलू, उसके ऊपर डाला है चिकन, फिर थोड़ा सा ग्रेवी डाल दिया है स्प्रेड करके, उसके बाद बेरिस्ता डाला है, उसके बाद फिर से बिरयानी मसाला, और जो केवड़ा जल है गुलाब जल दूध के अंदर घोल के रखा था ना उसको भी दे दिया, और अभी डाल देंगे घी, फिर से हम डालेंगे थोड़ा सा पुदीने के पत्ते, उसके बाद हम डाल देंगे फिर से चावल। तो यही स्टेप होता जाएगा, अगर हमने तो 2 बार स्टेप इसको फॉलो किया है, आपका बड़ा मतलब जितने बार बड़ा बर्तन हो तब थोड़ा सा होता है कि उतना बार ये स्टेप किया जाएगा, लेकिन लास्ट में जो है ना वो लास्ट में डलेगा ऊपर से चावल, उसके बाद डालेंगे हम बेरिस्ता, उसके बाद बिरयानी मसाला, फिर जो केवड़ा जल रखा था ना हमने उसको डाल देंगे, थोड़ा सा घी डालेंगे, बस हो गया रेडी बिरयानी। उसके बाद हमें स्टीम करना है 5 मिनट के लिए बिरयानी। तो पहली बार अगर बना रहे हैं आप तो सब भी आपके तारीफ़ करने में ना नहीं रुकेंगे। चलो चलो नहीं चलो।
मैं कुछ काम नहीं करती हूँ, देखो सब ये लोग कर रहे हैं। सब बैठ गए जल्दी। बच्चे बैठ गए हैं, हम भी अभी बैठेंगे। तो मैं आपको क्लोज लुक दिखा देती हूँ बिरयानी का। देखिए कितना खिला खिला बिरयानी बना है ना, ऐसे ही बनेगा आपका भी। तो कढ़ाई बर्तन ये सब मैटर नहीं करता है, जो सिंपल सा स्टेप सिखाया ना मैंने, आप अगर वो फॉलो करेंगे ना, बढ़िया से बढ़िया बिरयानी बन के रेडी हो जाएगी। और मेरी मम्मी बोल रही थी, तुम मेरे बर्थडे में बनाया था ना मैंने बिरयानी, तो मम्मी बोल रही इतने लोगों का बना पाती हो? मैंने बोला हाँ बिल्कुल, करते करते कोई भी चीज़ होता है ना, जो भी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे ड्राइंग हो, चाहे डांस हो, कोई भी चीज़ ना क्रिएटिव होता है। तो आप जितना उस पर मेहनत करोगे ना, जितना उसको करते जाओगे, उतना वो खूबसूरत बनते जाएंगे। बहुत बात बता दिया ना। तो चलिए अभी हम बिरयानी टेस्ट करते हैं, खाते हैं बिरयानी और उसके बाद आपको बताते हैं कैसा बना है। वैसे तो हमने बता दिया है कैसे बना है, और खा के उसके बाद मैं ये वॉइस दे रही हूँ अभी। तो बहुत अच्छा बना है, और इसने रायता भी बहुत अच्छे से बनाया ब्यूटी ने। और ब्यूटी का घर कैसा लगा, हमारा पिकनिक कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा, और ये ब्लॉग कैसा लगा ये बताना ना भूलिए प्लीज़। तो हम लोगों की ज़िंदगी है ये, हमारा लाइफस्टाइल है, ऐसे ही हम रहते हैं। देखिए तीन बच्चे तीन माँ, ठीक है, पापा लोग नहीं है, कोई नहीं है पापा। बिरयानी मेरे, आप लोग सब है ना, कलियुग बिरयानी मेरे से बनाया। अभी चाय भी देखिए, अभी ठंडा भी नहीं हुआ, देखिए गरम, अभी चाय भी मेरे से बनाया। तो वो क्या काम की, अभी आके हम लोग काम कर रहे, ये कुछ नहीं कर रही है, अंधेरा कर दिया, देखो कुछ नहीं कर रही है। और ये प्लेट पकड़ के लेकर आई है, सिर्फ प्लेट पकड़ के लेकर आई, चाय मैंने बनाया, बस प्लेट पकड़ के लेकर आई है, वो नाम कमा रही है, देखो सब, हाँ नाम कमा रही है, बोले कि मैंने बनाया। और अभी बज रहा है, कितना बज रहा है टाइम, 7:30, अभी बहुत अच्छा धूप है बाहर, ऐसा रूम मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे किस्मत में नहीं मिला, इन लोगों को मिल गया। ये भी खुले में रहती है ब्यूटी, ये ब्यूटी बैग और ये पापिया को तो आप जानती है, ये मेरा पुराना है। और ये अच्छे बच्चे हमारे तीन बच्चे। ए हाय बोलो बाबू, हेलो बाय, हाय हेलो, हाय बाय बाय। ये है ब्यूटी का गोल्ड का नहीं है, लेकिन मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। ये दिख नहीं रहा है क्या, है ना,
ये ब्राइटनेस कम कर दिया मैंने, नहीं दिख रहा है। ये देखिए ये वाला अच्छा है ना डिज़ाइन, सो मतलब क्लोज से दिखाएंगे ना बहुत सुंदर है इसका, एक एक बहुत अच्छे से काम किया हुआ है, बहुत सिंपल है बिल्कुल श्री हरि का है ये, मुझे अच्छा लगा, मैंने सोचा सोने से भी बेटर है, हैं क्या बोलते हो, चोरी होने का भी डर नहीं है, आराम से पहन के घूम लो कहीं पर भी, सब सोचेंगे सोना पहन लिया। एक्चुअली हम लोग नहीं घूम सकते ना, हमारा जो है ना एक जगह इकट्ठा है, वैसे भी इधर इधर है, इधर इधर एक जगह है, हमारा घर में एक जगह है, तो कितने जगह रखेंगे, इसलिए ये सब से काम चलाना पड़ता है। देखिए कितना होता है हमें प्रॉब्लम दिक्कत, इसका इयर रिंग बहुत सुंदर है, देखिए ये छोटे से सब ऐसे ही रखी है, सोने की चीज नहीं रखी है, ये एक है बैंगल्स, बैंगल्स है बैंगल, बहुत भारी है सही में, ये भी श्रीहरि का है। अभी शाम हो चुका है, शाम मतलब रात हो चुका है ऑलरेडी, तो हम लोग आए थे 7:30-8 बजे तक, उसके बाद फिर मैं फ्रेश किया मेरी बेटी को, खुद ही हो गई थी, और उसके बाद उसने दियाबाती कर लिया है, मतलब पूजा शाम का जो पूजा है वो कर लिया है, और आज दोपहर को मैंने इतना कपड़ा धोया था, बहुत कपड़ा धोया था, लेकिन दोपहर को मौसम ना बिल्कुल ख़राब हो गया था, मतलब बादल छा गया था, मतलब इवन जाने के टाइम, और एक बार से बारिश आ रही थी, एक बार से बंद हो रहा था, तो उसी चक्कर में ना मैंने अंदर ही डाल दिया है कपड़ा, थोड़ा बहुत सूख गया है, थोड़ा बहुत बाकी है, तो इधर भी मैंने बेटी का ड्रेस डाल के गई थी, क्योंकि उधर हो नहीं रहा था, रस्सी जितना था ना तो उसमें पूरा भर गया था, इसलिए मैंने यहाँ पर 3 ड्रेस है जो मैंने धो दिया है, ये 3 अब अच्छा बोल के ये 4-5 ड्रेस है जिसको आता है, और सारा जितने थे ना सब छोटे हो गए, इस साल तो बिल्कुल छोटे हो गए, पता नहीं अब कितना खरीदेंगे बताइए, इतना लेंथ बढ़ रहा है, सब पैर के ऊपर चला गया, नहीं तो चेस्ट में नहीं हो रहा है, तो वही हो रहा है। और अभी मैं जाऊंगी खुद फ्रेश हो लूँगी, उसके बाद मेरा खाने का मन तो कर नहीं रहा है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा गैस टाइप में बन गया था एक्चुअल में, और बिरयानी बहुत अच्छे बना था, बहुत 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 अच्छी बनी थी, बहुत ही अच्छी, मतलब दुकान भी फिल हो जाएगी उसके सामने, मुझे तो लगा कि बिल्कुल लाइट था और बहुत ही अच्छा बना था, टेस्टी बना था, चिकन भी मतलब मैंने बस वही बेरिस्ता फ्राई किया और चावल को थोड़ा सा पका लिया था और उसको किया मैनेज, और मसाला तैयार किया था, और सारा कुछ उन्होंने ही किया, मैंने बोल दिया है उन्होंने किया है, लेकिन बहुत यम्मी टेस्टी बना था, और मैंने इतना खाया कि मेरे पेट पूरा फुल हो गया। पुदीना लेकर आई थी मैं ब्यूटी के पास से चाय पी के, उसके बाद पुदीना लिया, उसके बाद मुझे छोड़ा गया है। मैं बोल रही थी कौन सा सैनिटाइज़र अच्छा है, ठीक है, स्प्रे बॉटल में जो आ रहा है ना अभी, वो दिखा रहे थे, मैं दुकान पे गई थी बट नहीं लिया, कि मैंने सोचा आप लोग उससे थोड़ा सा सजेशन मैं ले लूं, कि आप लोग अगर यूज़ कर रहे कौन सा बेटर है, मुझे ट्रैवल करना है तो कौन सा बेटर सैनिटाइज़र है, आप लोग इतना दिन से यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा, प्लीज़ क्वालिटी वाइज कौन सा बेटर होगा प्लीज़ मुझे सजेशन दीजिएगा, उसके बाद ही मैं खरीदूँगी सैनिटाइज़र। आज मैं फ्रेश होने जाती हूँ, और आज का जो ये ब्लॉग है संडे वाला वो मैं क्लोज करती हूँ आज, और यहाँ पर कल मिलती हूँ फिर एक नए ब्लॉग के साथ। और आज का ब्लॉग कैसा लगा ये तो आप बताएंगे, मुझे पता है आप लोगों का कमेंट्स मुझे मजबूर करता है कि मुझे और अच्छा करना है, और अच्छा करना है, और मैं बहुत अच्छा करूँगी, मुझे पता है, मुझे खुद के ऊपर विश्वास है, और खुद के ऊपर विश्वास होना बहुत ज़रूरी होता है, तो मुझे खुद के ऊपर विश्वास है मैं अच्छे से अच्छा ब्लॉग आपको प्रेजेंट करूँगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ, और अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। अभी बज रहा है 9:10 बाकी है, तो चलिए मैं थोड़ा बेटी को देती हूँ, उसके बाद मैं तो कुछ नहीं खाऊँगी लेकिन फ्रेश हो जाती हूँ पहले। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं, कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, बाय बाय टाटा, आप लोग घर में रहिएगा, अच्छे से रहिएगा, बी हैप्पी।